वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। यार फसल भी बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, गन्ने, चाय वगैरह वगैरह। तो अब हम इन्हीं सारी फसलों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले टॉप पे आती है राइस। सबसे ज्यादा लोग इंडिया में चावल ही खाना पसंद करते हैं, और इसी वजह से चावल बहुत ज्यादा अमाउंट में उगाया जाता है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, केरला में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है। इसे उगाने के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर चाहिए होता है, और बारिश भी 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, यानी हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, और ये एक खारिफ क्रॉप है। सेकेंड रैंक आती है व्हीट की। गेहूं सबसे ज्यादा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंज्यूम किया जाता है, और सबसे ज्यादा व्हीट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान उगाते हैं। इसे 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल की जरूरत होती है, और ये एक राबी क्रॉप है। नेक्स्ट आते हैं मिलेट्स। इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, और मेनली ये ड्राई रीजन में ग्रो होते हैं। और मिलेट्स के जो मेन एग्जाम्पल हैं वो है जवार, रागी और बाजरा। वैसे बाजरा से एक चीज याद आई, मैं विंटर वेकेशन में अपने कजन्स के यहाँ गया था, तब आंटी ने पूछा, बेटा किसकी रोटी खाएगा, गेहूं की या बाजरे की? तब मैं बोलता हूँ, आटे की रोटी खाऊंगा। अब अगर तुम्हें ये जोक समझ आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ आया तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं भी ऐसा ही था। जैसे जैसे लाइफ में बेइज्जती होती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है पल्सेस। यारो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, और कंज्यूमर भी, यानी हम सबसे ज्यादा उगाते भी हैं और खाते भी हैं। यारो अगर हम सबसे ज्यादा खाते हैं तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि हम सबसे ज्यादा निकालते भी होंगे। दोस्तों पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है। ये कम मॉइस्चर वाली जगह और ड्राई क्लाइमेट में उगाई जाती है। इसके मेन एग्जाम्पल हो जाएंगे उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। ये मेनली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में उगाई जाती है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देती है। चलो अब वीडियो को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ एक बात और, राइस, व्हीट और पल्सेस को अच्छे से कर लेना, क्योंकि मेनली इन्हीं तीन क्रॉप के बारे में पूछा जाता है।